हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है राघव के ब्लॉग्स पर। और कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों से आप लोगों को वेट था मेरी इस वीडियो का, कि कुछ पॉइंट्स हैं मैंने लिखे हैं और आपके जो क्वेश्चन वगैरह आते रहते हैं कमेंट के माध्यम से, तो उनको मैंने थोड़ा सा लिखा है। जैसे कि क्या क्या क्वेश्चन हैं, मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से हूँ, मैंने कौन सा ज़िला चुना था और मुझे कौन सा ज़िला मिला है। अगला क्वेश्चन है, मैं कौन से स्कूल में पोस्टेड हूँ, मेरे BPSC TRE 1 में कितने मार्क्स थे। अगला है, मेरा स्कोर कार्ड पे बात करेंगे थोड़ा सा। और अगला क्वेश्चन है कि मैंने तैयारी कैसे की और कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें पढ़ी, कौन कौन सा मटेरियल रहा और कौन कौन सी बुक्स पे हमने पढ़ा और सिलेक्शन लिया। तो ये कुछ आपके रहते हैं क्वेश्चंस, तो चलिए आज इन पे बात करते हैं। आज छुट्टी का दिन है, तो सबसे पहला क्वेश्चन, मेरा नाम क्या है? देखिए, मेरा नाम अश्वनी राजपूत है और मम्मी हमें प्यार से राघव बोलती हैं, तो इसलिए आपने देखा होगा चैनल का नाम भी राघव के व्लॉग्स है। तो आगे है, मैं कहाँ से हूँ, बहुत क्वेश्चन रहता है ये। तो दोस्तों, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, यूपी के एक छोटा सा ज़िला है मैनपुरी, आगरा के पास में, तो वहाँ से मैं रहने वाला हूँ और अभी वर्तमान में मैं अपनी सेवा यहाँ बिहार में दे रहा हूँ। एक अगला, मैंने कौन सा ज़िला चुना था और मुझे कौन सा ज़िला मिला है, इस पे बात करते हैं। तो दोस्तों, मैंने पहला ज़िला चुना था मुंगेर, दूसरा बेगूसराय और तीसरा गया, तो मुंगेर ही मिल गया है। इसके पीछे भी कारण है, तो इसके बारे में आगे बताऊँगा। मुझे मुंगेर ही मिल गया है, पहला ज़िला जो भी मैंने चुना था वही मिल गया है। आगे, मैं कौन से स्कूल में पोस्टेड हूँ, ये भी थोड़ा सा सुन लीजिए। तो मेरे स्कूल का नाम है प्राथमिक विद्यालय हाड़ीडीह चंदनिया और ये प्रखंड पड़ता है संग्रामपुर, तो प्राथमिक विद्यालय हाड़ीडीह चंदनिया करके, ठीक है। आगे अगला कौन सा, मेरे BPSC में TRE 1 में मार्क्स कितने थे? से 81 मार्क्स थे। और अगर आपको यकीन ना हो तो आप यहाँ से आप मोबाइल की स्क्रीन पाते हैं, आपको दिखा देते हैं पूरा सबूत के तहत। और ये देखिए, यहाँ से देखिए मिल चुका है मेरा स्कोर कार्ड और आप देख सकते हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। और आप नाम तो जानते ही होंगे, मेरा नाम राघव, राघव केवल बोलते हैं। डॉक्यूमेंट में मेरा नाम अश्वनी राजपूत है और इधर कुछ चीज़ें मैं छुपा रखी हैं पर्सनल सिक्योरिटी के कारण, और रजिस्ट्रेशन नंबर थोड़ा छुपा दिया है, रजिस्ट्रेशन डेट ये है, जेंडर आपको पता ही होगा, मैरिटल स्टेटस अनमेरिड। और अब बात करते हैं स्कोर के बारे में, तो ये कुछ स्कोर के बारे में चलिए चलते हैं थोड़ा सा नीचे। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ आपके लिख के आते हैं, रोल नंबर और मार्क्स के बारे में बात करते हैं। तो मार्क्स देखिए, मेरे 1 to 5 में 120 में से 81 मार्क्स थे, जो क्वालिफाइंग पेपर था उसमें मेरे 100 में से 79 मार्क्स थे। तो ये था दोस्तों मेरा स्कोर, ये रहा मेरा फुल स्कोर कार्ड, देख सकते हैं ये था मार्क्स भैया मेरे, अभी तक मैं छुपा के रखा था, अब जो है आपको बता दिया। तो अब देख लिया होगा, सभी को जो है भरोसा हो गया होगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। तो ये मेरा स्कोर कार्ड था और इतने मार्क्स थे, 81 मार्क्स आए थे मेरे 120 में से, जो कि 1 to 5 में थे, और इसके साथ साथ जो 79 मार्क्स मेरे आउट ऑफ 100 में से थे, जो भी क्वालिफाइंग पेपर था। और आगे बात करते हैं कि मैंने तैयारी कैसे की, इसी के साथ साथ अगला भी क्वेश्चन इंक्लूड कर ले रहा हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, कौन कौन सी बुक्स को पढ़ा है। तो चलिए ये भी आपका डाउट जो है दूर कर देते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा, बस वही नॉर्मल नॉर्मल जो चीज़ें पढ़ी हैं जो भी आप लोग भी पढ़ते हैं, तो उसी को थोड़ा 2 3 4 5 बार पढ़ लिया, बस हो गया। तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ के बारे में। तो मैथ देखिए, हमने स्पेशली इसके लिए नहीं, मैं SSC की प्रिपरेशन वगैरह करता था, तो मैंने देखिए RS अग्रवाल भी पढ़ी है, SD यादव नाम की बुक आती है, और कोई अगर मैथ शुरू करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो मैं रिकमेंड करूँगा SD यादव वाली बुक ले लीजिए, उससे आप पढ़िए। टाइप वाइज जो है क्वेश्चन दे रखे हैं, हर एक चीज़ के जैसे 4 5 क्वेश्चन टाइप वाइज दे रखे हैं, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बुक है वो, और शुरुआती दौर में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी SD यादव, ठीक है। तो मैथ मैंने यहाँ से पढ़ ली, देखिए RS अग्रवाल भी मैंने पढ़ी है और SD यादव भी पढ़ी है, किरण की भी बुक पढ़ी है, राकेश यादव सर की भी पढ़ी है, इसके साथ साथ एक अपने गगन प्रताप सर की, इनको भी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है। तो ये जो है मैथ के लिए हो गया। और बात करते हैं कि हिंदी, हिंदी तो नॉर्मल होती है, आप ल्यूसेंट से पढ़ सकते हैं, हालांकि मैंने आदित्य सामान हिंदी जो है हमारे यूपी में बहुत चलती है, हालांकि आपको भी ये ऑनलाइन मिल जाएगी। तो
आदित्य सामान्य हिंदी नाम से बुक आती है वाइट कलर की, तो यहाँ पे ये आप देख लीजिएगा ये है। तो इससे मैंने हिंदी कवर की थी थोड़ी बहुत। बात करते हैं साइंस वाइंस वगैरह, तो साइंस हुआ चाहे वो जीएस हुआ चाहे वो कोई भी चीज़ हुआ, ये मैंने पढ़ा है। देखिए वैसे ल्यूसेंट से पढ़ा है मैंने, ल्यूसेंट से थोड़ा बहुत पढ़ा है। इसके साथ साथ मैंने हल्का सा घटना चक्र से भी पढ़ा था। मैं आपको बुक दिखाना चाहूँगा, ये आती है बहुत अच्छी बुक है। मैं दिल से बताऊँ तो GS 2023 ये पॉइंटर नाम से आती है, या फिर यूँ कहें कि इतिहास सारे सारे सब्जेक्ट इसी में हैं। और पतली सी बुक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, 10 से 20 पन्ने जो है डेली आप पढ़ते हैं तो कवर हो जाएगा। और एक तरीके से जब आप भी आपका एग्ज़ाम आ जाता है तो इसको जो है वन लाइनर पूरा ख़त्म कर सकते हैं। वन लाइनर में ही है, अच्छी बुक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं, देखिए ल्यूसेंट से आप पढ़ सकते हैं, वो भी अच्छी बुक है। लेकिन अब मैंने यहाँ पा के एक बुक और देखी है, रियल बताऊँ दिल से, क्राउन्स की। क्राउन क्राउन नाम से एक जीएस की बुक आती है, ये आप देख सकते हैं। तो क्राउन नाम से ये जो बुक है इसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं। ये ल्यूसेंट से भी ज़्यादा बेहतरीन लगी मुझे, हालांकि ल्यूसेंट भी बढ़िया है, लेकिन ये मुझे कहीं ना कहीं, इसको मैंने थोड़ा सा पढ़ा तो ये मुझे वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। अपने नयन सर के पास रखी हुई थी तो मैंने उसको पढ़ा था, ये भी मुझे बहुत अच्छी बुक लगी। आप इससे पढ़ सकते हैं, इसको अगर आप पढ़ के जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना कभी कभी जो आपने कभी सुने ही नहीं होते हैं, वो पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। तो इसमें वो वाले क्वेश्चंस वगैरह वो पॉइंट्स हैं जो कि जो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं करंट अफेयर्स मैंने कहाँ से पढ़ी थी। दोस्तों करंट अफेयर्स में मेरे 16 15 क्वेश्चन आए थे, उसमें से मेरे 13 सही हैं। तो वो मैंने कहाँ से पढ़ा है उसके लिए कुछ ज़्यादा वो नहीं है। एक सीधी सीधी आपके बिहार की है पब्लिकेशन स्पीडी, और उससे हर स्टूडेंट वाकिफ होगा। स्पीडी से करंट अफेयर्स मैंने पढ़ी है, और शुरुआत से कुछ नहीं पढ़ना होता है। मैं आपको बताऊं लास्ट में जाइएगा, सबसे लास्ट में जो वन लाइनर क्वेश्चन दे रखे होते हैं ना मंथ वाइज डेट वाइज करके, वन लाइनर पढ़ लीजिए। और उसके बाद उसके जस्ट पीछे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन यानी कि ऑप्शनल वाले दे रखे होते हैं, वहाँ से आप टिक करके उन्हें रट जा रही है। ज़्यादा कुछ नहीं, जो क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव वाले वो तो पूरी साल के होते हैं। शुरुआत के आप मतलब ऐसे पढ़ लीजिए 50 पेज के आसपास टिक लगा के वो पढ़ लीजिए, और जो वन लाइनर वाले मंथ वाले होते हैं वो वाले पढ़ सकते हैं। तो बस इतने से कवर हो जाता है, हर आगे का फैक्ट पीछे आपको देखने को मिलेगा, तो वहाँ से आप पढ़ लीजिए। और अब सबसे इम्पोर्टेंट जो कि कहीं ना कहीं मुझे जो है नंबर गेन करने में, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए जीएस के लिए, ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव, ये वाली ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव, रियल रियल बताऊँ, अगर ये बुक आपने अगर कवर कर ली, अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, घर पे रखी हुई है, ये बुक आपने अगर कवर कर ली तो मैं मानता हूँ कि आप किसी भी एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से फाइट कर सकते हो और अच्छा स्कोर ला सकते हैं। ये मेरा मानना है पर्सनली, क्योंकि मैं इसको पढ़ चुका हूँ 2 से 3 4 बार, ठीक है। और उसको पढ़ने में एक मेरे हमारे गुरुदेव हैं, उन्होंने, मैं नाम लेना चाहूँगा, सचिन दुबे सर ने हमें बहुत अच्छे तरीके से ये रटवाई है, तो उनका बहुत 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 धन्यवाद। तो वो डेली याद करने के लिए देते थे कि एक पेज आप जीएस का कर लाइए, एक पेज मतलब आधुनिक भारत का, एक पेज इतिहास का, एक पेज पॉलिटी का, एक पेज जो है ज्योग्राफी का, एक पेज कला संस्कृति का, एक पेज साइंस का। तो ऐसे करके पता नहीं चला कब किताब जो है ख़त्म हो गई। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन ये तो ज़रूरी पढ़िए, मैं सबको रिकमेंड करना चाहूँगा, यहाँ से ज़रूर पढ़िए। तो ये सब चीज़ें वगैरह पढ़ी हैं। और एक और है मेरा हैंड रिटन नोट्स, ठीक है, ये है मेरा हैंड रिटन नोट्स, यहाँ पर पुरस्कार सारे सारे दे रखे हैं। ये कुछ बैंकिंग वाली सिस्टम है, ये देखिए है ना, तो ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं और अच्छे तरीके से। और ये जो है कुछ कला से जुड़े व्यक्ति कौन सा किससे आता है ना। तो देखिए आगे भी चलते हैं, ये महात्मा गांधी के बारे में शुरुआत यहाँ से होती है। तो इसमें जो है देखिए स्ट्रेटेजी के भी है, मेरी ये एक ऐसा नोट्स है, इसको मैं कहता हूँ जादुई कॉपी, इसको बोलता हूँ जादुई कॉपी। तो यहाँ से देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से हमने बनाए हुए हैं और हर चीज़। ये वाला क्वेश्चन मेरे में आया था चंपारण वाला, बख्त मियाँ जो है, ये वाला मेरे में BPSC में भी आया था। तो यहाँ से ये देख लीजिए आप खेड़ा सत्याग्रह, और ये बेहतरीन तरीके से एकदम अच्छा कलेक्शन दे रखा है इसमें। और ये आपने देखे होंगे कि ये जो है 1 से लेकर लगभग 30 तक जो है ये पूछते रहते हैं। तो यहाँ से वो चीज़ में लिख रखी है कि कौन से परमाणु क्रमांक क्या है। और ये देखिए स्वदेशी आंदोलन हुआ बहुत बेहतरीन तरीके से, इसमें देखिए क्या क्या है और अधिवेशन वगैरह। इसमें आपको स्टैटिक जीके का भी बहुत पोर्शन है, बहुत ज़्यादा पोर्शन है स्टैटिक जीके का, अभी इतने वीडियो में दिखा नहीं पाऊँगा है ना। और आपका आधुनिक हिंदी भी है, इतिहास भी है, सब कुछ है। तो ये है मेरे हैंड रिटन नोट्स, आप देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है, एकदम अच्छा अच्छा है। अगर कोई थोड़ा बहुत तैयारी किया होगा इसकी महत्व तो समझ रहा होगा, ठीक है। अगस्त प्रसाद देखिए बेहतरीन, बहुत अच्छा है, और इसको मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा पढ़ के आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। लिमिटेड चीज़ें हैं पॉइंट वाइज बहुत अच्छे तरीके से। तो ये मेरा नोट्स है दोस्तों, देखिए इससे भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिली है,
क्योंकि यहाँ से वो चीज़ें मैंने कलेक्ट करके रखी हुई हैं यहाँ पे, जो कि आपको एग्ज़ाम में डायरेक्टली देखने को मिलती हैं। इसमें स्ट्रेटेजी की वगैरह सब कुछ है, तो इतने कुछ चीज़ें मैंने पढ़ी थी हल्की वल्की, और आप भी कर सकते हैं नॉर्मल से। और हाँ, एक चीज़ और है, एक मेरे पास PDF और है, एक स्पेशल PDF और है आपके बिहार के लिए, स्पेशल है आपके क्लास 2 से लेके क्लास 10 तक की, क्लास 2 से लेके बिहार स्पेशल में, बिहार के मतलब जो भी चीज़ें हैं। हालांकि आप उसको भी पढ़ के जाएंगे तो आपका GS साइंस और ये आपके पर्यावरण हुआ, ये सब चीज़ें आपको एक ही PDF में देखने को मिल जाएंगी। ये पूरी PDF बहुत लंबी चौड़ी है, तो आप वो भी कहीं ना कहीं कारगर साबित हुई है, और वहाँ से भी थोड़ा बहुत पढ़ा है। अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी नोट्स चाहिए तो देखिए, मैं फ्री में किसी को नहीं दूंगा, मैं बेचना भी नहीं यहाँ पे आया हूँ, लेकिन मैं किसी को फ्री नहीं दूंगा। आपको किसी को भी चाहिए, ₹49 लगेंगे केवल, मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। और ये आ रहा है मेरा फ़ोनपे नंबर, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे करके ₹49 कर दीजिएगा, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा जो भी होंगे। और मुझे ऐसा विश्वास है कि आप डेफिनेटली सक्सेस को प्राप्त होंगे। और लास्ट टाइम में थोड़ा पढ़ डालिए, हो जाएगा कंप्लीट। और अगर यदि किसी को नहीं लेना है, कोई बात नहीं है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो PDF आप पढ़ लीजिएगा, ₹49 लगेंगे, वो PDF से भी आप बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। और मेरी मानिए, आपके ₹49 बर्बाद नहीं जाएंगे, जब आप उसको पढ़ेंगे तो लगेंगे कि हाँ, ₹49 में आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। तो इतनी सब चीज़ें थी, और बाकी आपने सब कुछ देख ही लिया। और किसी का कोई डाउट रह गया हो जो कि मैंने इस वीडियो में कलेक्ट ना कर पाया हो, तो कृपया करके इस वीडियो की कमेंट में पूछें, मैं कोशिश करूँगा कि आगे भी आपके डाउट्स जो भी हैं उनके बारे में भी एक वीडियो बनाऊँ। और बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।